चुनावों के बीच बीजेपी की एक अहम बैठक हुई है जिसमें बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की है। अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई थी। तो एक बैठक हुई है बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, बीजेपी के अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह भी उस बैठक में थे। रवीश रंजन शुक्ला हमारे सहयोगी ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवीश, चुनावों के बीच बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जो ये बैठक हुई है, इसके क्या मायने हैं और इस बैठक में कौन कौन थे, एजेंडा क्या था? जी देखिए जय, अब जो वोटिंग का कम प्रतिशत हुआ है उसके वजह से अब बीजेपी के कई शीर्ष नेतृत्व के चेहरे पर शिकन आई हुई है। और कल आपको याद होगा कि अलीगढ़ में प्रधानमंत्री की रैली थी, उसमें प्रधानमंत्री ने अपील भी की कि मतदान जो है वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें, क्योंकि आपको पता है पिछले जो पहले चरण का मतदान हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश की अगर खास तौर पर बात करें तो 67% से घटकर वो 63% हो गया है। तो इसके वजह से बीजेपी ही नहीं और तमाम सारी विपक्षी पार्टियों के भीतर भी इस बात को लेकर चिंता है कि आखिर मतदान कम क्यों हो रहा है। तो कल दोपहर को प्रधानमंत्री ने कम मतदान का जिक्र अपने भाषण में किया और फिर कल ही देर रात को जो जेपी नड्डा हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके घर पर अमित शाह समेत तमाम जो महामंत्री हैं, 9 महामंत्री मौजूद थे और तमाम राज्यों के पन्ना प्रमुख से लेकर अलग अलग पदाधिकारियों से फीडबैक लिया गया। और बाकायदा चूंकि बीजेपी के पास एक कार्यकर्ताओं की एक बड़ी मशीनरी है और बूथ लेवल तक का जो माइक्रो मैनेजमेंट होता है वो होता है, तो ऐसे में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने नीचे तक संदेश पहुंचाया है, खासतौर पर पन्ना प्रमुख और जो मंडल के पदाधिकारी हैं, कि जो दूसरा चरण हो उसमें ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं को ये सारे लोग घरों से बाहर निकालें और उनको मतदान कराएं। तो इसी को लेकर एक बैठक थी। कम वोटिंग हुई है इससे बीजेपी में जो ये मंथन हुआ है, किसी तरह की आशंकाएं भी दिख रही हैं? देखिए आमतौर पर जया इस बात को लेकर चर्चा होती है कि जब ज्यादा मतदान होता है, ज्यादा फीसदी मतदान होता है, तो ये कहा जाता है कि सत्ता में बदलाव के लिए होता है। लेकिन पिछले दो चुनावों से देखा गया है, 2014 में देखा गया कि मतदान का प्रतिशत 8% बढ़ा, बीजेपी आई, और उसके बाद 2019 में फिर से जो है वो 6% मतदान बढ़ा लेकिन बीजेपी फिर से वापस दोबारा आई है। तो मतदान दो बार से जब जब मतदान बढ़ रहा है, बीजेपी सत्ता में आती रही है, तो इस बात को लेकर अब ये चर्चा है कि आखिर मतदान का प्रतिशत बढ़ाया जाए, क्योंकि बीजेपी को ये लगता है कि उसके जो वोटर हैं वो उस तरीके से नहीं निकल रहे हैं। तो यही वजह है कि कल देर रात तक जो है वो काफी एक लंबी बैठक चली और उसमें ये कहा गया है कि बीजेपी के जो भी ग्राउंड पर कार्यकर्ता हैं जमीन पर, उनको ये संदेश पहुंचाया जाए कि वो मतदाताओं को ज्यादा से ज्यादा घरों से निकालें और बूथ तक पहुंचाएं ताकि मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया रवीश इस पूरे अपडेट के लिए आपका।